मंदिर के देवी देवता खाते नहीं हैं, आप चढ़ाते हैं, जो उठा कर ले जाता है आपको अछूत और नीच कहता है। तुम्हें माता चो पिता तुम्हें, मतलब तो ही माय छे तो ही बाप छे। लास्ट में कहते हैं तो ही सब कोई छे, सब कोई मतलब तो ही साली छे तो ही सरहोज छे। कौन प्रार्थना हुआ भाई? तो एक हाथ में थाली में लड्डू था और दूसरे हाथ में घंटी। हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, देबो देबो नहीं देबो, देबो देबो नहीं देबो, देबो देबो नहीं देबो, देबो देबो। आप पत्थर की मूर्ति पर को अगर माँ कहते हैं तो जन्म देने वाली माँ अपमानित होती है। भाग्य भगवान झूठा है। अगर आपका भगवान है तो आपके माँ और पिता हैं। तीसरा भगवान आपके गुरु हैं जो पढ़ना लिखना सिखाए, और चौथा गुरु आप पत्थर की मूर्ति पर को अगर माँ कहते हैं तो जन्म देने वाली माँ अपमानित होती है। माँ एक है जिसने हमको जन्म दिया है, दूसरी माँ नहीं। अगर किसी दूसरे को माँ कहते हैं तो जन्म देने वाली माँ अपमानित होती है। जैसे आप नदी नाला को भी माँ कह देते हैं, एक कैलेंडर 2 रुपया खरीद कर लाते हैं उसको भी माँ कहते हैं। हम तो एक जगह देखे एक लड़का फोल्डिंग किए हुए वो पेपर था, हम कहे क्या है, बोला माँ है। कहिए रे ये पेपर माँ है, खोल कर दिखाया, हम हाथ नहीं गिन सके, बहुत हाथ हार था उसका। हम कहे इतना हाथ में ये कपड़ा कैसे पहनती है पता नहीं। उसको अलमारी में सजा दिया। आप पूजा कर रहा था, बगल में माँ पूछी, बेटा खाना हो गया, पूजा हुआ है कि नहीं। माँ पर बरस गया, गाली देने लगा, पूजा भेले ने बिचिम तो टोक दे। आ उस कैलेंडर के सामने प्रार्थना करती थी, करता वो लड़का, जे तुम्हें माता चो पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा चो तुम्हें, तुम्हें विद्या दर्विनं तुम्हें, तुम्हें शर्मम मम देव देव। हम देखते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं ध्यान देते हैं जो क्या होता है। हमारा अगर बेटा 5 बरस का हमको बाबा कहेगा तो हम पीटेंगे, बाप हो वो बाबा का हमें। हमारा बाल पकने चला है और देख रहे हैं औरत का फोटो है और कहते हैं तुम्हें माता चो पिता तुम्हें, मतलब तो ही माय छे तो ही बाप छे। इसका अर्थ क्या होता है? पूरा प्रार्थना का अर्थ होता है तू ही माय छे आ तू ही बाप छे आ तू ही भाई छे आ तू ही बहिन छे आ तू ही दोस छे आ तू ही महेश छे। लास्ट में कहते हैं तुम्हें बसर मम मम देव देव। लास्ट में कहते हैं तू ही सब कोई छे, सब कोई मतलब तू ही साली छे तू ही सरहोज छे। ये कौन पर व्रत हुआ, ये कौन प्रार्थना हुआ भाई? हम देखे एक जगह लखनऊ में हम गए, एक लेट हो गया, एक महिला जिनके घर में गए उसी घर में एक महिला आरती उतार रही थी। हम कहे देखिए बुलाने वाले के घर में धूप अगरबत्ती हो रहा है और शाम के जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो हम कहे कि जे हमारे देश के माता बहन जिस दिन सुधर जाएगा देश का नक्शा बदल जाएगा। अंधविश्वास की हेडमास्टरनी है तो हमारी माँ बहन। तो महिला समझ गई, कल के सर हम समझ गए हमारे बारे में आप बोल रहे हैं, हमारे बारे में बोल रहे हैं, हम सवेरे पूजा कर। कल हाँ हाँ बोलिए रहे हैं, कल हम सवेरे में पूजा नहीं कर रहे थे, नहा सोना कर अगरबत्ती लेकर ऐसे ऐसे कर रहे थे आंख बंद करके। हम मने मन कह रहे थे जे एने उन्हें कर्म ही दाग दबो, एने उन्हें कर्म ही दाग दबो, एने उन्हें कर्म ही दाग। देवता का हम कह रहे थे होश मरवा न तो दाइगी, आंख बंद करके इसे से हिला रहे थे। और कल ये लास्ट में देखे हम थाली में लड्डू भरकर क्या कर रही थी। कल के आप नहीं समझे, देवता के लिए लाते तो उसके सामने रख देते लेकिन हमने रखा नहीं। हमने क्या किया, जैसे आप पुरुष लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है उठा दिखाते हैं तो मार हो जाता है। तो एक हाथ में थाली में लड्डू था और दूसरे हाथ में घंटी। हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, देबो देबो नहीं देबो, देबो देबो नहीं देबो, देबो देबो नहीं देबो, देबो देबो। तो बंधु और अपने घर पर ले गए, घर के लोग खाया। इसलिए हम कहते हैं माता वाहन से
ये मंदिर के देवी देवता खाते नहीं हैं, आप चढ़ाते हैं, जो उठा कर ले जाता है आपको अछूत और नीच कहता है। हम तो ठेठ भाषा में लिखे हैं, अरे हो तो नहीं भलाई तोरा दान पुण्य कैलास, आ प्यास बुझे नहीं मिर्चाय के चवैलास, पाप करता नहीं गंगा में नहैलास, आ गधा न घोड़ा होते ओकरा केतनो साबुन के लगैला, मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियला से, आ मूर्ख ज्ञानी न मणि चंदन के लगैला से, सर्प न विष तजे दूध के पियला से, आ कटे न कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से, कौआ न बगुला होते कपूर के सुनौला से, आ पाखंडवाद तभी मिटते जब विज्ञानवादी बात समझला से।